सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अचीवर्स क्लब टॉक्स। जैसा कि आपको पता है कि अचीवर्स क्लब में यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, और आज के एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं वो भी एक यंगस्टर ही हैं। बहुत छोटी सी एज में, मात्र 20 साल की उम्र में महीने का 3 लाख से भी ज़्यादा कमा रहे हैं, और अपनी टीम में बहुत सारी लड़कियों को मैनेजर भी बना चुके हैं। सो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं फटाफट से उनको इन्वाइट करना चाहूँगा। सो लेट्स वेलकम मिस्टर राघव नरूला। कैसा राघव भाई? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हो? बस मैं भी अमेजिंग एज ऑलवेज, फीलिंग गुड। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया लग रहा है अचीवर्स क्लब टॉक्स पे आके। बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है, एंड आपको सुन के मैं और भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक से फील कर रहा हूँ ना, एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के सब पॉडकास्ट के लिए। बहुत सारी की सारी सब आज बातें करने वाले हैं अपन। बिल्कुल, चलो दैट्स गुड। तो भाई शुरू करते हैं, कुछ सवाल हैं मेरे पास, कुछ जवाब तैयार रखना, और बहुत सारी चीज़ें आज मैं चाहता हूँ कि हमारे अचीवर्स क्लब की ऑडियंस सीख कर जाए आपसे, है ना। बिकॉज भाई तू काफ़ी यंग है, एज बहुत कम है, और इस एज में कई लाखों रुपए कमाना बहुत रेयर होते हैं ऐसे लोग। सो कैसे ये लोग भी इसी एज में ऐसी अचीवमेंट्स कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ आज ये लोग वो चीज़ सीख जाएं तुझसे, एंड आई होप तू अच्छे से सिखाएगा, वो सारी चीज़ें बताएगा, अपनी जर्नी शेयर करेगा, और बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स देके जाएगा जिससे ये लोग सक्सेसफुल बन पाए। सो गाइज, आई होप आप अच्छे से इस पॉडकास्ट को सुन रहे होगे अभी के अभी। पहले तो लाइक बटन प्रेस करो, अटेंटिवली इस पॉडकास्ट को सुनो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, एंड जस्ट फ्री योर माइंड। सो राघव भाई, एक बार बता यार, अभी अचीवर्स क्लब के बारे में जानेंगे, कैसे शुरुआत हुई, जर्नी कैसी थी, क्या अचीवमेंट्स रही, क्या स्ट्रगल रहा, कैसा, वो अलग अलग टाइप के फेजेस रहे, बट फॉरएवर में आने से पहले पहले की स्टोरी क्या थी? तो यही थी मेरी स्टार्टिंग की तो जर्नी, है ना, कि मैं स्टार्टिंग में ना वो होते हैं ना स्कूल टाइम के जो बच्चे होते हैं काफ़ी शैतान होते हैं ना, क्लासेस को सब बंक करते हैं, पढ़ाई लिखाई का मेरा इतना कुछ विजन ही नहीं था कि ज़िंदगी में कुछ पढ़ाई लिखाई करके कुछ आगे बढ़ना है ना। मेरे डैड का बिज़नेस है ना है, एंड मैं यही सोचता था कि मैं अपने पापा के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा ग्रोथ लूँगा। तो पढ़ाई लिखाई से कुछ था ही नहीं, वही बैक, मैं तो ना ही फ्रंट बेंचर था ना ही मैं बैक बेंचर था, क्योंकि बेंच में तो बैठते ही नहीं था ना मैं तो बंक ही करता था हर एक क्लास को। तो यार एक्सट्रीम लेवल की मेरी ट्रांसफॉर्मेशन आई थी अचीवर्स क्लब में आने के बाद, एंड मैं पहले की अगर आपको अपनी कभी फोटो दिखाऊँ ना, अब की दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा आपको उसमें भी सब चेंज दिखेगा। बिकॉज पहले के टाइम पे ऐसा था दैट वो होता है ना दैट बिगड़े हुए बच्चों के साथ घूमना फिरना ऐसे भी होता है ना, 8वीं 9वीं में उस संगत में उठना बैठना जिस संगत जो हमारे लाइफ में आगे कभी काम ही नहीं आने वाली है, राइट। वो होते नहीं है छोटे छोटे बच्चे जो घर वालों को बता के जाते हैं कि हम जी नीचे जा रहे हैं, एंड चले जाते हैं कुछ क्लब में, एंड उनमें से मैं भी एक था, है ना, वही छोटी छोटी उम्र में जी लगे हुए हैं सारी की सारी सब गलत गलत सब चीज़ों पे, आपको पता ही है। ये भी एक अचीवमेंट है। बिल्कुल, ऐसे वो लाइन मुझे बढ़िया लगी कि ना मैं फ्रंट बेंचर था ना मैं बैक बेंचर था, क्योंकि बेंच पे हम बैठते ही नहीं थे। बिल्कुल, हम तो हर एक क्लास सब बंकी मारते थे, तो बस वही थी। एंड फिर धीरे धीरे करते करते मेरे को ये वाली चीज़ रियलाइज हुई थी कि नहीं यार, कब तक ये सब चीज़ें चलती रहेंगी मेरी लाइफ में, कब तक ये सिलसिला सब चलता रहेगा मेरी लाइफ में। बिकॉज मैं इतना बिगड़ चुका था उस टाइम पे, इतना बिगड़ चुका था, मैं किसी की बातों की पहली बात तो रिस्पेक्ट करता नहीं था। मेरे घर वाले जो भी मुझे बोल रहे हैं वो गलत ही बोल रहे हैं, मेरा माइंडसेट ऐसा बन चुका था उन दोस्तों के साथ रहते रहते। वो एक लाइन बड़ी कहावत है ना, जैसी संगत वैसी रंगत, तो मेरी वैसी बिल्कुल रंगत थी। एंड जैसे कि मैंने बहुत सारी रील्स में बहुत सारे मोटिवेशनल लोगों से भी ये वाली चीज़ें सुन रखी है दैट यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद, राइट। तो मैं 5 उन दोस्तों के साथ बैठता था जो गाली गलोच करते थे, तो मैं कैसा बनूंगा, मैं भी तो वैसे ही बनूंगा जो गालियां देता था। अगर आसपास के 5 दोस्त ऐसे हैं जो शराब पीते हैं तो पक्का 2 महीने बाद बॉर्डर का ढक्कन हम ही खोल रहे होंगे। बिल्कुल, अब कोई भी बच्चा गालियां सीखना ना माँ के पेट से तो सीख कर आया नहीं होता है ना, वो अपने आसपास की सारी की सारी सब सराउंडिंग से हर एक सब चीज को सीखता है, जानता है, पहचानता है। बिल्कुल, तो मैं उसी संगत में था जहाँ पर ना कोई पैसे कमाने की बात हो रही है, ना ही जिंदगी में आगे बढ़ने की बात हो रही है, बस बात चल रही है। तो यार उस लड़की का हम अटेंशन कैसे ग्रैब करें, है ना यार, उस लड़की वो हमारी लड़की इंस्टाग्राम पे है ना हमें फॉलो बैक सब कैसे करें, हम ऐसे कौन कौन से चीज़ें सब करें, है ना, कि हमें अटेंशन मिले लोगों की। तो मैं ऐसी सराउंडिंग में था, मुझे पता ही नहीं था यार मुझे लाइफ में आके करना क्या। बट फिर जैसे ही मेरी लाइफ में ना लॉकडाउन आया, लॉकडाउन बहुत सारे लोगों के लिए यार बुरा था, बट कहीं ना कहीं कह सकता हूँ मेरी लाइफ में लॉकडाउन का एक अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया था। लॉकडाउन आया ना तो अनमोल सर हुआ गया, मेरी जो बिजनेस तो मेरे डैड का था वो बिल्कुल 0 सा हो गया।
अच्छा, वो बिल्कुल जीरो से हो गया। मेरे मॉम का बुटीक था, मेरे मॉम का बुटीक की भी बिल्कुल सेल जीरो से हो गई। फिर मुझे एक झटका लगा, मेरे और मेरे बड़े भाई को एक झटका लगा कि यार नहीं यार, अब तो लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब हम वैसे अपनी ज़िंदगी नहीं बता सकते जैसे हम अपने पहले ज़िंदगी सब बता रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात हमें उसे मिलाने के लिए लग जाती है। तो मुझे अभी भी वो वाला दिन याद है, मैं रात को सो रहा था, अपने इंस्टाग्राम की स्क्रोलिंग कर रहा था, है ना, और एकदम से मुझे एक पोस्टर दिखता है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। मैंने बिल्कुल मारा उस पोस्टर को इग्नोर, मैंने कहा पता नहीं क्या फेक फ्रॉड, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बट मैं देखता जा रहा हूँ कि बार बार मुझे वही चीज़ें दिखती जा रही। तो मैंने कहा एक बार समझ के देखते हो कौन सा काम है। एंड वो कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार। तो एकदम से फिर मुझे अचीवर्स क्लब मिल गया। एंड बस यार, मैं जैसे ही अचीवर्स क्लब को, मैंने सिस्टम को सब समझा, मैंने सब चीज़ें समझी, पहली बात तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा पक्का तो फेक ही होएगा, पक्का फ्रॉड ही होएगा। बिकॉज अचीवर्स क्लब को समझने से पहले मैं कौन सी वीडियोज़ देख रहा था, इधर उधर के इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा था, यूट्यूब पे व्लॉग देख रहा था, मैं उधर उधर के इतने ज़्यादा बेतुक के कंटेंट को सब कंज्यूम कर रहा था। एंड जब मेरा दिमाग इधर लगा तो मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें कुछ एंटरटेनिंग नहीं था ना। मैं पहले यूट्यूबर्स को देखता हूँ जो गाली गलौज कर रहे हैं, उनको देखकर हंस रहा हूँ, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। इधर मुझे अचीवर्स क्लब के बूट कैंप से कुछ एंटरटेनिंग नहीं लगा। तो फिर मैंने ना यूट्यूब पर जस्ट सर्च करा नेटवर्क मार्केटिंग, है ना, तो मुझे ना काफ़ी पॉजिटिव वीडियोज़ दिखी। लोग कहते हैं उन्हें थोड़ा बहुत नेगेटिव वीडियोज़ दिखी, मुझे पॉजिटिव वीडियोज़ दिखी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो मुझे पता लगा नहीं यार, प्लेटफॉर्म से सही में पैसा कमाया जा सकता है, बहुत लोगों ने पैसा कमाया। एंड उसी टाइम पे मुझे अभी भी एक चीज़ याद है, मेरी मॉम की एक फ्रेंड है जो कि ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में है ना, है अभी भी हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में। एंड उस टाइम पे उन्होंने मुझे अप्रोच करा था, बट वो फॉरएवर का पार्ट नहीं है, वो फॉरएवर का पार्ट नहीं, वो किसी और कंपनी में। आज भी मैं इतना ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ यार कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी थी और मैं अचीवर्स क्लब में ज्वाइन हो गया। आज भी इतना ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ। एंड फिर देखते देखते सिलसिला बढ़ता गया, एंड फिर आगे की सब जर्नी तो अब आपको एब्सोल्युटली, मतलब क्रिंज कंटेंट से वैल्यूएबल कंटेंट की तरफ अचीवर्स क्लब ले आया। और पहले कहाँ अलग माहौल होता था, है ना, जैसे आपने बताया इंस्टाग्राम पे स्टॉक वगैरह करना या सिर्फ देखी हुई लड़की की प्रोफाइल ढूंढ लेना बिल्कुल ये सब चीजें करना, और उससे आज खुद की बढ़िया प्रोफाइल बिल्ड करना, खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना, खुद से रील्स पोस्ट करना। सो यू हैव कम अ फार, यू हैव कम अ लॉन्ग वे, है ना, जर्नी बहुत अच्छी रही। और बट आई गेस इस जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स ऑब्वियसली रहे, हर किसी के में रहते हैं। एब्सोल्युटली। तो भाई चैलेंजेस क्या थे, मैं जानना चाहता हूँ तुझे क्या चैलेंज लगा। बिकॉज अब तूने स्टार्ट करा, तू 18 साल का था, अब 18 साल के बच्चे की बात नहीं सुनते लोग, उन्हें लगता है यार ये तो बच्चा है। अब हम जैसे मार्केट में उतरे काम करने के लिए, है ना, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ खुद से। मैं भी 18 साल का था जब मैंने इस बिजनेस को शुरू करा था। तो अब 18 साल के बच्चे की उम्र ज़्यादा तो है नहीं, अब वो किसी को बिजनेस समझाएगा तो यही सोचेगा अरे तो इसने तो, इसको किसी ने मैनिपुलेट कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया होगा, अभी इन्हें इतनी अकल नहीं है, इतनी इन्होंने इतनी दुनिया नहीं देखी, हमारे बाल धूप में थोड़ी सफेद हुए हैं, तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो उस टाइम पे लोगों को लेके आना, उस टाइम पे खुद की टीम को होल्ड में रखना, उस टाइम पे अपना काफिला बिल्ड करना, खड़ा करना, तो वो थोड़ा टफ रहता है। तो भाई उस टाइम मतलब मेरे लिए तो खैर एक दो चैलेंजेस और थे, बट अभी बात तेरी हो रही है तो तेरे लिए क्या चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए ये था, मेरी दाढ़ी मुझे उस टाइम पे कुछ आती नहीं थी, मैं तो और बच्चा लगता था। एंड उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट था। अच्छा, उस टाइम पे मैं लगभग अनमोल सर लगभग जो मेरा वेट था वो 105 केजीज़ था उस टाइम का मेरा वेट। अगर आप देखोगे ना उस टाइम की मेरी फ़ोटो तो आप भी बिलीव नहीं करोगे मैं ही हूँ। तो मतलब मेरी पतली सी आवाज़ है ना, लोग मुझ पर बिलीव नहीं करते, लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते। और हुआ क्या, जब मैंने सोशल मीडिया पे वाला वर्क दिखाना शुरू करा ना, दैट मैं अचीवर्स क्लब का हूँ, मेरे सारे के सारे सब दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया। वो कहते हैं अभी तो बाहर घूमने फिरने की बातें कर रहा था और अब एकदम से बिजनेस की बातें कर रहा है। कल को ये मैं बोल रहा था चल आ जा पार्टी करने चलते, क्लब चल रहे हैं, अभी मुझे बोल रहे हैं अचीवर्स क्लब का बूट कैंप ज्वाइन कर ले, पता नहीं इसका सब क्या ही चल रहा है। तो मेरे को बहुत सारे सब दोस्तों आ रहे थे, पहली बार नेगेटिव करा, जिसके चलते मैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ। बट मेरे ना एकदम से ना सपने बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे। मैंने कृष्णा सर की लाइफ को देखा यार, मुझे अभी भी ये वाली चीज़ याद है, मैंने अपने 2CC को सब क्यों कंप्लीट करा था, मैंने वाले बिजनेस की सब शुरुआत क्यों करी थी। मैं रात को लगभग 2 से 3 बज रहे थे, मैं सारे के सारे पूरे के पूरे काम को समझ चुका था, है ना, एंड 2CC जस्ट मैं ये वाले बिजनेस को जस्ट मेरी शुरुआत होने वाली थी उस टाइम पे। मैं रात के ना लगभग 1:30 से 2 बज रहे थे, मुझे अभी भी वो वाला दिन याद है। मैं कृष्णा सर के ना सारे हाईलाइट्स को देख रहा था,
एंड आपको याद होगा कृष्णा सर अपने मॉम एंड डैड को लेकर सिंगापुर गए थे, है ना? बिल्कुल सिंगापुर गए थे, उनका एक हाईलाइट है अभी भी डला हुआ है सिंगापुर का, है ना? एंड उस हाईलाइट में ना एक हाईलाइट है शिप का, क्रूज का एक हाईलाइट है, वो मैंने देखा कि यार इतना बढ़िया रूम है ना, जैसे कृष्णा सर सुबह सुबह उठे हैं, वो ब्लैंकेट हटाते हैं, ठीक है, एंड दरवाज़ा खोलते हैं उस रूम का, एंड बिल्कुल चारों तरफ आसमान दिख रहा है, एंड पीछे से उन्होंने गाना चलाया हुआ है। तो मैंने कहा भाई क्या जिंदगी है यार, क्या अल्टीमेट लेवल की जिंदगी है, यही तो चाहिए मुझे, यही तो चाहिए। तो जितने मुझे जो भी चैलेंजेस दिख रहे थे ना, मेरे घर वाले मुझे मना कर रहे हैं, मेरे डैड मना कर रहे हैं, मेरे पापा बोल रहे हैं मत पढ़ तू इन चक्करों में, फ्रॉड होते, स्कीम होते, स्कैम होते, हमने कंपनियां कर करके छोड़ दिया। तो मेरे को बहुत सारे जो हर्डल्स जो दिख रहे थे ना, मुझे उसके सामने कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि मुझे ऐसा लग गया कि यार अगर मुझे जिंदगी में ये मिल गया तो सारे के सारे जो मेरे चैलेंजेस हर्डल्स आ रहे हो कुछ भी नहीं है। सही बात। पता है 2cc पता है किसकी तरह है? करेले की तरह है। आपको पता है करेले खाने में कितना ज्यादा कड़वा लगता है ना, बट करेले खाने के बेनिफिट्स कितने ज्यादा होते हैं। 2cc वैसी है, करने में आपको कड़वी लगेगी भाई, करने में चैलेंजेस आएंगे, बट एक बार 2cc कर लोगे तो उसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। एग्जैक्टली, उसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। फिर धीरे धीरे मैंने ये वाले बिजनेस को और समझा, मैंने जाना, मैंने परखा, देखा, कंप्लीट करा जैसे 2cc को। ऑब्वियसली बात है सब लोगों को चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि मैंने बताया मेरे दोस्तों और ना सबने नेगेटिव करा, एंड स्टार्टिंग में मेरा एक दोस्त नहीं आया मेरे साथ फॉरएवर में, क्योंकि अनमोल सर मेरी फेस वैल्यू नहीं थी। मेरी फेस वैल्यू बनी हुई थी बिगड़ी औलाद की तरह, मेरी फेस वैल्यू बनी हुई थी बिगड़े हुए बच्चों की तरह। एक बच्चा नहीं आया था, सब लोगों को बोला था, कोई भी नहीं आया। फिर मैंने अपनी फेस वैल्यू सोशल मीडिया में करना शुरू करी थी। मैंने कहा बाहर की दुनिया को तो नहीं पता नहीं कि मैं कैसा हूँ, बाहर की दुनिया तो नहीं जानती है ना कि मैं स्कूल में, है ना, आप कह सकते हो स्कूल में मैं क्लासेस को बंक करता था, बाहर की दुनिया नहीं जानती कि मैं कैसा था। तो फिर धीरे धीरे मैंने अपनी एक फेस वैल्यू बिल्ड करना शुरू करी, है ना, एंड मेरे साथ फिर अननोन लोग बहुत सारे सब ज्वाइन हो गए, एंड धीरे धीरे करते करते टीम बड़ी टूटी, है ना, बनी, फिर टूटी, फिर बनी, फिर टूटी। मुझे अभी भी याद है दैट मेरे को सुपरवाइजर बनने के लिए लगभग अनमोल सर 4 से 5 महीने तक का टाइम लगा था, सुपरवाइजर से मैनेजर बनने के लिए 13 महीने लग गए थे। 13 महीने, मतलब वो कहते हैं दैट मेरी जर्नी कुछ अलग सी थी, है ना। मेरी जर्नी में ऐसा नहीं था कि यार मुझे बहुत ज़्यादा हर्डल्स आए, पैसा नहीं आया, पैसा मेरे को हमेशा आया, बट मैनेजर तक के बनने के सफ़र में आप कह सकते हो कि यार मैं सीख बहुत सारी की सारी सब चीज़ें गया, एंड बीच बीच में बहुत सारे सब इंसिडेंट्स हुए, बहुत सारी की सारी सब चीज़ें हुई, है ना। स्ट्रगल्स की बात करें तो बहुत रहे, बट ये जो अचीवर्स क्लब का जो ऑनलाइन सिस्टम आ गया ना, उसके चलते 90% जो चैलेंजेस है ना वो खत्म हो गए। अभी अनमोल सर ने आपको क्या चीज़ बोली कि इनके टाइम पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस थे, वो मेरे टाइम पे चैलेंजेस नहीं थे, क्योंकि मेरे टाइम में ऑनलाइन सिस्टम आ गया था जैसे आज आपके टाइम में ऑनलाइन सिस्टम है। तो सर स्ट्रगल्स की बात करूँ तो मेरे टाइम पे तो उतने नहीं थे जितने आपके टाइम पे थे। बिल्कुल, वो मैं जानता हूँ। और अभी मतलब मेनली मैंने ये समझा कि तेरे भाई सपने थे और वो सपने इंपॉर्टेंट थे, बहुत लोग सपने देख ही नहीं पाते, बट सक्सेस के लिए सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल होता है कि आप सपने देख पा रहे हो और आप अपने सपनों के लिए पागल हो। तो 2cc करना मुश्किल था, बहुत चीजें मुश्किल थी, बट फिर भी करी क्योंकि सपनों के लिए पागल था, है ना। बट ये तो बात होगी जर्नी की कि सपनों के लिए पागलपन है, हंगर है, सक्सेस के लिए तो भाई लगे रहे, काम करा, टीम बनाई, मेहनत करी और सक्सेसफुल हो गया। बट मैं जानना चाह रहा हूँ चैलेंजेस क्या रहे, मतलब जैसे फॉरएवर शुरू करते हुए हो सकता है फैमिली में कोई चैलेंज हो, बहुत बहुत ज्यादा कोई फाइनेंशियल इशू था, नहीं था, या अभी हमारी बात हो रही थी, अभी हम बात पॉडकास्ट से पहले भी हम काफी सारी बातें कर रहे थे, तो तूने मुझे बताया कि भाई तू 12th भी नहीं कर पाया था, नहीं करी थी, है ना। तो मतलब क्या चैलेंजेस रहे, एक बार मैं वो जानना चाह रहा हूँ। ये आज तक कोई भी चीज़ नहीं जानता, मेरे कोई टीम का पर्सन भी वाली चीज़ नहीं जानता। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, है ना, मेरे एग्ज़ाम में ना कंपार्टमेंट आ गई थी उस टाइम पे, 12th में एब्सोल्युटली 12th में, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे पास, है ना, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था कि लाइफ में क्या करना है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे डैड का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने कहा पापा का बिजनेस तो है ही, है ना, तो उस टाइम पे मुझे कुछ दिखा नहीं। वो तो कोविड आ गया था जिसके चलते, है ना, अब मुझे कुछ देखना पड़ा था कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, बट उस टाइम पर मेरे पास जरिया नहीं था, वे नहीं था। तो मेरे पास 12th के मेरे कंपार्टमेंट आई थी, मैंने 12th के एग्जाम नहीं दिए थे, दोबारा मैं नहीं देख गया था देखने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था सब कुछ चिल, लाइफ हो जाएगी, आगे जो भी है देखा जाएगा। मतलब वो कहते हैं ना रिस्क टेकिंग एटीट्यूड था, चिल जिंदगी, आगे चल के सब कुछ हो जाएगा, सब चीज़ें हो जाएगी, है ना। तो यस, आज आपके सामने एक ऐसा पर्सन बैठे जैसे 12th भी पास नहीं करी, बट यस आई एम अर्निंग मोर देन 3 lakh rupees पर मंथ थ्रू अचीवर्स क्लब ओनली। अब बताऊंगा कि कौन कौन से मेरे लाइफ में चैलेंजेस आए थे, मैंने एग्जैक्टली, है ना, मैं आगे कैसे बढ़ा था। सबसे ज़्यादा बड़ा मेरी लाइफ में ये चैलेंज आया था कोविड के चलते, जैसे कि मैंने बताया कि घर में कोई इनकम सोर्स, है ना, नहीं थी मेरे पास, घर में कोई इनकम सोर्स नहीं थी, है ना।
तो था यार कि स्टार्टिंग से कुछ करना है। आप कह सकते हो कि मेरा ना पूरा दिन का शेड्यूल चेंज हो गया था। वो कहता है जब बंदा पे पढ़ती है ना तभी उसे समझ आता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब टाइम आ गया क्योंकि कोविड के टाइम पे ना अनमोल सर मेरे घर वाले ना एक एक पैसा भी खर्च करने से पहले 100 बार सोच रहे थे। सही बात। मैंने अपने पापा मम्मी को दुख में भी देखा है उस टाइम पे, है ना, दुख में भी मैंने देखा उस टाइम पे, है ना। तो फिर चैलेंजेस आए मेरे को काफ़ी है सुपरवाइजर बनने के लिए। मेरे को कम ही टाइम लगा, यूजुअली 4-5 महीने लगे, है ना। एंड जब मेरे को सुपरवाइजर बन गया था तो मैं कंफर्ट जोन में आ गया था। मेरे को महीने का 10-15-20-25 हज़ार तक आना स्टार्ट हो गया था, फिर मैं कंफर्ट जोन में आ गया था, ठीक है। एंड वो कंफर्ट जोन के चलते जो मेरी ग्रोथ थी बहुत ज़्यादा मुझे लेट आई थी, ठीक है। एंड मेरा स्टार्टिंग से ना एक सपना था कि मैं अपने मम्मी का बुटीक है ना उसकी जगह यार अपने ऑफिस को खोलूँ। ऐसा जो मेरा घर है ना, अब तो चलो मेरा दो कुछ ही दिन के अंदर अंदर एक नए ऑफिस की सब इनॉग्रेशन है ना, तो मैं बात करूँ दैट पहले मेरा सपना था जो अब सपना पूरा कब का हो चुका है मेरा, और वो सपना ये था दैट जो मेरी मम्मी का बुटीक है ना, मैं चाहता था दैट यार अब मैं मम्मी को ना 20-30 हज़ार रुपये कमा के हुए देखता था कि 20-30 हज़ार कमाने के लिए मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। आपको जो भी दिल्ली के लोग हैं उन्हें पता होगा सरोजनी नगर मार्केट, चांदनी चौक मार्केट है ना, मैंने मम्मी के साथ धक्के खा रखे हैं भाई मार्केट में, मम्मी का धक्के खा रखे हैं। पानीपत अगर लोगों को पता होगा ना हरियाणा साइड, तो मैंने धक्के खा रखे हैं मम्मी के साथ साथ। मुझे अभी भी याद है वो दिन है ना कि मैं मम्मी के साथ मार्केट में जा रहा हूँ, हम बोरे उठा उठा के लेकर आ रहे हैं कि मम्मी के बुटीक के लिए जो स्टॉक हो रहा है वो हम उठा के लेकर आ रहे हैं मेट्रो से, है ना। एंड उस टाइम उस एक दिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके चलते मुझे लगा कि राघव अब बहुत हुआ, इट्स इनफ फॉर नाउ, अब इनफ है यार, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने मम्मी पापा के लिए, अब अपनी मम्मी के लिए कुछ ना कुछ सब करना पड़ेगा। सरोजनी नगर मार्केट आप जितने भी लोग गए होंगे दिल्ली में, है ना, आपको बताइए दैट मेट्रो स्टेशन जस्ट उसके साथ में ही है, है ना, पिंक लाइन पड़ता है, मेट्रो स्टेशन जस्ट उसके साथ में ही है, ठीक है। एंड एक छोटी सी रोड है, तो मैं और मेरी मम्मी, है ना, पॉलीथिन उठा के लेकर जा रहे थे। एंड मेरी मम्मी का ना थोड़ा सा पैर स्लिप सा हो गया था, एंड मेरी मम्मी रोड पे घुटने के बल थोड़ा सा गिर गई थी। मम्मी उठ तो गई 5-10 सेकंड में, जो सामान बिक रहा था हमने एकदम से सब उठा लिया। वो मोमेंट मेरे रग रग में बस गया था। 18 साल का था उस टाइम पे मैं, आई वॉज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड उस टाइम पे, बस 18 साल का था। मैंने अपने लाइफ में एक इमोशनल गोल ले लिया था, अब मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी, अब बहुत हो गया यार। मेरी मम्मी 20-30 हज़ार रुपये कमाने के चलते अगर इतनी मेहनत कर रही है ना, तो मुझमें शर्म है अगर मैं इतने पैसे कमा कर घर वालों को नहीं दे पा रहा, तो मुझमें शर्म है। मैंने अपनी एज नहीं देखी, मैंने अपनी उम्र नहीं देखी। वो कहते हैं दैट आपकी ग्रोथ आपकी एज के हिसाब से नहीं आती, आपकी ग्रोथ आपकी जिम्मेदारियों के हिसाब से आती है। True. अभी आपको लग रहा होगा कि मैं 20 साल की उम्र में इतना अच्छा खासा कैसे बोल पा रहा हूँ, मेरा ऐसा एटीट्यूड कैसे है। भाई बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई हैं तभी ऐसा एटीट्यूड सब बिल्ड हो पाया है। तो उस टाइम पर मेरा कोई गोल होना हो, मैंने कहा मैं मैनेजर जैसे ही बनूंगा ना, जैसे मैं अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करूंगा वैसे मम्मी का मैं बुटीक बंद करवाऊंगा और अपना खुद का उधर ऑफिस खोलूंगा। वो सपना मेरा सर्च हुआ था 2022 जुलाई में 2022 जून में मैं अपना मैनेजर बन गया था। मैनेजर बनते मेरी मंथली इनकम 1,10,000 रुपये चली गई थी। 19 साल का ही हुआ था जस्ट मैं उस टाइम पे, 1,10,000 रुपये आई वॉज अर्निंग इन 19। अमेजिंग है ना, बहुत बढ़िया बात है। और इससे मुझे आता है 19 साल की उम्र में मुझे भी 1,00,000 रुपये आने शुरू हो गए थे। तो खैर जर्नी काफ़ी भाई अच्छी रही, चैलेंजेस थे, और कहीं ना कहीं मुझे रीज़न जो लगा ना तेरे मैनेजर बनने का वो ये भी है कि तेरी ज़िंदगी में या तेरे घर पे या तेरी लाइफ में या तेरी पर्सनल स्टोरी में एक पेन था, दर्द था। दर्द ही एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को पुश करती है कुछ बदलने के लिए। तो वो जब चेंज आता है ना, जब इंसान लगता है मेहनत करता है, वो चेंज ले ही आता है। तो चल अच्छी बात है, हर चीज़ को वो करना चाहिए, हमें पॉजिटिव में हमें देखना चाहिए, लेना चाहिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। हो सकता है वो इंसिडेंट ना होता तो आज तू सीनियर मैनेजर ना होता, कार में अचीवर ना होता, अचीवर्स क्लब डॉग्स में ना होता, या ना 3 लाख रुपए ना कमा रहा होता, घर का डेट ना उतार चुका होता, डेट वगैरह भी था घर पे। मेरी मम्मी का जो बुटीक था वो मेरी मम्मी ने एक रूम लिया था, है ना, 25 लाख रुपए का मम्मी को रूम मिला था। एंड मम्मी ने वो 25 लाख का 6 से 7 सालों में 13 लाख रुपए निकाल दिया था 6 से 7 सालों में। बट मजे की बात यह है यार, वो 12 लाख का मम्मी ने मुझे दिया था कि अबे तू ही निकाल लेगा, क्योंकि मुझे अंदर कॉन्फिडेंस था, बिकॉज यार 1,10,000 रुपये आना स्टार्ट हो गया था महीने का, है ना। एंड अब तो होपफुली वो सब कुछ हो चुका है ना, जब बिल्कुल सब अच्छे तरीके से क्लियर आउट सब अब हो चुका है, ठीक है, अभी रिसेंटली हुआ है 2 से 3 महीने पहले ही, है ना। तो अब तो ऐसा यार दैट अब लाइफ स्मूथ हुई है। बट जो स्टार्टिंग में जो हर्डल्स है ना वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आते,
तो मैं मेरी इतनी पर्सनैलिटी ना बन पाती यार, मैं इतना ज़्यादा अच्छा खासा बोल भी ना पाता, ना ही मेरी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर पाता। अभी आपने पेन की बात करी, मैंने एक लाइन पढ़ी थी दैट जो कामयाबी होती है ना वो दर्द की कोख से जन्म लेती है। जैसे हम अपनी माँ की कोख से जन्म लेते हैं, वैसे कामयाबी भी ना दर्द की कोख से जन्म लेती है। ट्रू। तो बस वो दर्दें थी, इमोशनल रीजन था कि यार मम्मी के लिए कुछ करना मैं नहीं देख पाता था, कि दैट कुछ कुछ पैसे बचाने के चलते मम्मी दुखी हो रही है, है ना। मेरे जो घर वाले हैं, जो मेरे डैड है, जो मेरे मॉम है ना, छोटे छोटे है ना, पैसों के चलते लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं यार घर में। मेरे इतना फाइनेंशियली स्टेबल बन जाऊंगा कि पैसों के चलते तो लड़ाइयाँ नहीं होंगी। बिल्कुल यार, ये तो हर एक यंगस्टर का गोल होना चाहिए कि पैसों के चलते घर में लड़ाई हो, ऐसा दिन आपको नहीं दिखाना अपने घर पे। और ऑल थैंक्स टू अचीवर्स क्लब, इसका ट्रेनिंग सिस्टम, इसके फाउंडर्स, जिसकी वजह से आज जहाँ तक हम आ पाए। बताओ अगर अचीवर्स, आई एम जीरो विदाउट अचीवर्स क्लब। आज की डेट में मुझे कोई बोले ना कि अचीवर्स क्लब नहीं तो क्या, मैं ब्लैंक हूँ बिल्कुल। मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा अगर आज की डेट में, है ना, मुझसे कोई अगर आज की डेट में अचीवर्स क्लब मेरी लाइफ में ना हो, बिकॉज इट इज एवरीथिंग। मेरी जिंदगी को बदला तो सिर्फ और सिर्फ अचीवर्स क्लब ने, एंड अचीवर्स क्लब के जो फाउंडर्स हैं मिस्टर तरंग अरोड़ा सर, मिस्टर कृष्णा अरोड़ा सर, बहुत बड़ा रोल प्ले रहा है यार इनका मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले, इतना ज़्यादा बड़ा रोल प्ले रहा है ना कि कोई हद ही नहीं है। मतलब यार मैंने ना अपने मतलब टॉप का सम्मान देता हूँ, जितना मैं अपने मम्मी पापा को सम्मान देता हूँ ना, उतना ही मैं अपने मेंटर्स को सम्मान देता हूँ, उतना ही ज़्यादा मैं कृष्णा सर को, तरंग सर को, अपने मेंटर्स को सब सम्मान देता हूँ, उतना ही ज़्यादा। ज़रूरी भी है। और अभी फिर घर वाले, अभी फादर कुछ करते हैं, डैड कुछ करते हैं, या भाई रिटायर कर दिया उन्हें? नहीं, अभी मेरे डैड रिटायरमेंट तो ले ले, अब उन्हें ऐसा नहीं है कि पैसे वैसे कुछ कमाना है या फिर कुछ ऐसा कुछ करना है, बट वो एक होता है ना, मेरे पापा के यार शरीर चलता रहना चाहिए, है ना, तो अपने फैक्ट्री में जाते हैं, है ना मेरे पापा। बट अब मेरे पापा को ऐसा गोल नहीं है कि ज़्यादा ही उन्हें कुछ फ्लरिश करना, वैसे ही है दैट कि अब बच्चे कमा रहे हैं, बच्चे सपोर्ट करते रहेंगे, है ना। और हम भी अब पापा को इतना कुछ बोलते नहीं है, अब पापा के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, है ना। मेरा बड़ा भाई ही इज़ अ फिटनेस ट्रेनर, तो वो अपने सब खर्चे खुद निकालता है, मैं अपने सब चीज़ें खुद सब हैंडल एंड ऑल कर लेता हूँ। अच्छा, भाई नहीं पतला करा था क्या? नहीं नहीं नहीं, भाई तो अपना सब लगा रहता था ना। मेरा पतला ऐसा होना था जैसे मैंने बताया ना, मैं 105 से 110 किलो का हो गया था, तो उस टाइम पे जब मैं हुआ था तो मैं करता गया था, मैं रोज़ बाहर का जंक फूड खाता था, है ना। मेरी इतनी ज़्यादा अनहेल्दी रूटीन हो गया था, मैं सुबह सुबह उठ रहा हूँ जी, दोपहर के दो बजे उठ रहा हूँ मैं, पता सो रहा हूँ मैं सुबह के 7 बजे, रात रात तक मैं पबजी खेल रहा हूँ। आपको पता है लॉकडाउन से पहले पबजी का बहुत था, लॉकडाउन से पहले पबजी का बहुत ट्रेंड चला था, लॉकडाउन में पबजी बैन हो गई थी, तो ये सब गेमिंग एंड ऑल मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मतलब रोज़ ही बाहर का खाना पीना सब चल रहा है, मेरे को भी एक मूवमेंट याद है, मैं इतना मोटा हो गया था, इतना ज़्यादा मोटा, मतलब हमारे जैसे अभी आप ऐसे हाथ रखोगे ज़्यादा देर तक, आपका ये हाथ सुन हो जाएगा ना, सोते सोते मेरी पूरी बॉडी सुन हो जाती थी भाई, ब्लड सर्कुलेशन ही रुक जाता था फैट के चलते, इतना ज्यादा फैट था। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं, इतना ज्यादा फैट हो गया था, बॉडी सुन जाती थी तो मतलब मैं मम्मी को बोलता था, मैं बोलता था कि मम्मी मम्मी जल्दी आओ, ऐसा सीन हो गया था भाई। उस स्टेज से उठने के बाद यहाँ तक आना, मैं बताऊँ सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले ना, सबसे ज्यादा रोल प्ले मानो या ना मानो, कामयाब लोगों को सुनने का। मैं कामयाबी लोगों को सुनता था, जो लोग कामयाब है मैं उन्हें सुनता था, मैं 7:30 ट्रेनिंग अटेंड करता था, पता मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में कितना ज़्यादा है ना इम्पैक्ट आता था। सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं दैट जैसे कि मैंने कहा ना पहले, मैं इधर उधर की सब चीज़ें देखता रहता था, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ है दैट जो हम चीज़ें देखते हैं ना, वही चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा टाइम सोचते हैं, और हम वही चीज़ों के बारे में ज़्यादा टाइम सोचेंगे ना, तो हम अपनी लाइफ में वही वाली चीज़ों के लिए ज़्यादा टाइम एक्शंस लेंगे, और जो हम अपनी लाइफ में एक्शंस लेते हैं ना वही हमारी रियलिटी में बदल जाता है। तो पहले मैं क्या देखता था जी, पहले मैं देख रहा हूँ खाना पीना यूट्यूब पे, पहले मैं देख रहा हूँ कि यार सबसे ज़्यादा बढ़िया रेस्टोरेंट कौन सा है, पहले है ना मैं रील्स देख रहा हूँ, है ना लड़कियों की नाचने वाली, मैं बड़ा फ्रैंक हूँ यार आपके सामने, मैं पहले ऐसे ही था, बट इतना चेंज पता है कैसे आया, बिकॉज मैंने कामयाब लोगों को सुनना स्टार्ट कर दिया। अब मैं आपको अपनी यूट्यूब की वो दिखाऊँ ना हिस्ट्री, एक वीडियो नहीं दिखेगी आपको कोई म्यूजिक की, एक वीडियो नहीं दिखेगी कोई इधर उधर के गानों की सारी कामयाबी, हाउ टू अचीव सक्सेस, कामयाब सब कैसे बने, अचीवर्स क्लब की ट्रेनिंग, कामयाबी की ट्रेनिंग। बट भाई गाने तो सुनने चाहिए, उसमें क्या बुराई है, गाने सुनने चाहिए बिल्कुल यार, बिल्कुल गाने सुनने चाहिए, बट मेरे हिसाब से यार आप सब गाने सुनो, है ना, बट मैं तो मोटिवेशनल गाने सुनता हूँ, क्योंकि जब मैं प्यार भरे गाने सुनता हूँ ना तो मेरे दिमाग में भी वैसे थॉट चलते हैं जो कि मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जब मैं उधर उधर की मूवी, मैं आपको बताऊँ, देखो मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, मैंने पिछले
6 से 7 महीने पहले एक मूवी देखी थी है ना, वो भी मैं आधी मूवी देखकर छोड़कर आ गया था है ना, एंड उससे पहले मैंने 2.5 साल पहले थिएटर में मूवी देखी थी, क्योंकि मेरे मेरे हिसाब से है ना, जब हम कोई देखो सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट मेरे हिसाब से जब मैं कोई मूवी को देखता हूँ ना, उसका मूवी का मेरे दिमाग में इम्पैक्ट बहुत दिनों तक के लिए रहता है और मैं उधर ही खोए रहता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जहाँ काम में अपनी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकता हूँ ना, वहाँ मेरा जब दिमाग ही कहीं और चीज़ों में लगा हुआ तो वहाँ काम में मैं कैसे दे पाऊँगा। तो इसका भी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले है कि मुझे इतनी जल्दी है ना सक्सेस मिल पाई, ऑल दो इट इज़ नथिंग फॉर मी, अभी तो मुझे बहुत भी आगे जाना है अचीवर्स में, तो 20-20 साल के लोग भी महीने का 11-12 लाख कमा रहे, आपको पता है ना। बिल्कुल भाई, अभी तो शुरुआत है। There's a long way to go. बिल्कुल, और जाएंगे साथ जाएंगे। Absolutely. And हर चीज़ अचीव भी करेंगे। तो भाई टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया, मैनेजर बना वो टर्निंग पॉइंट था? और मुझे याद है कि जब तेरा टर्निंग पॉइंट आया था, मेरा भी एक टर्निंग पॉइंट आया था, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल सिस्टम को काम में इम्प्रोवाइज करा था 2022 मार्च में, तब मैं 1.5 लाख 1.25 लाख कमाता था। तो वो सिस्टम जब मैंने इम्प्रोवाइज करा मार्च से और फिर शुरू करा, तो फिर मेरी इनकम में एक जे कर्व आना स्टार्ट हो गया। अभी तो जितने का आता है फिर उस टाइम पे मैं उतने कमाता था कि 3-3.5 लाख रुपए आ रहे हैं, 4.25 लाख रुपए आ रहे हैं। सिस्टम बहुत अच्छा कर दिया, ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी कर दी, अपने पर्सनल मीटिंग सेशंस वगैरह कर दिए, बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम कर दिया था। और उस सिस्टम में फिर तू भी मेरे साथ अलग वाला भी था, साथ में अपने लोगों को बिठाता था। बिल्कुल, और सिस्टम का अच्छे से यूज करा तूने भी। और उस टाइम फिर तू शायद मैनेजर बना था या उसके पहले, उसी टाइम बना था। मेरे मैनेजर में मेरे यहाँ पूरी की पूरी सक्सेस में ना अनमोल सर का बहुत बड़ा हाथ है, मैं सीरियसली बता के चल रहा हूँ। नहीं सीरियसली यार, अब जो फैक्ट है वो फैक्ट है, अनमोल सर का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है यार, बहुत ज़्यादा। मैं इनकी ट्रेनिंग से इतनी सब चीज़ें सीखा हूँ ना, इनकी बातों से इतनी सारी की सारी सब चीज़ें सीखा हूँ, एंड फैक्ट है अनमोल सर उस टाइम पे कमा रहे थे जितना आज मैं कमा रहा हूँ। आज से लगभग 1 से 1.5 साल पहले अनमोल सर कमा रहे थे महीने का 3-3.5 लाख रुपये जितना अभी मैं कमा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं अनमोल सर से सीखते सीखते सब आगे बढ़ो। बट सर मेरे टर्निंग पॉइंट दो आए हैं अभी लाइफ के। अभी मेरा एक टर्निंग पॉइंट आया है 3 से 4 महीने पहले, एंड इससे पहले मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया था 2022 जैन में। मैंने एक रेजोल्यूशन ले लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी फिटनेस में ध्यान दूंगा और रेगुलरली अपनी लर्निंग्स को करूंगा, मैं अपने स्किल्स को ज़्यादा से डेवलप करूंगा। मैंने ना बुक में एक लाइन पढ़ी थी, या तो इंसान बेहतर बनता है या तो वो बदतर बनता है। राइट, Either you get better with time or you get worse with time. Absolutely. या तो आप आगे बढ़ोगे या तो पीछे रह जाओगे, बीच का कुछ नहीं होएगा भाई, बीच का कुछ भी नहीं होएगा। वो कहते हैं ना रुके हुए पानी से बदबू आती है, तो रुके हुए इंसान से भी, समझ जाओ क्या कहना चाहता हूँ मैं, है ना। तो बस हमें अपने आप को ना, जैसे कि मैंने कहा, अपग्रेड करते रहना चाहिए, है ना। मतलब मैं ना अपने आप से खुद अनमोल सर ये वाली सब चीज़ पूछता हूँ कि क्या राघव आज से 2 महीने पहले वाला राघव और आज वाला राघव क्या सेम है? अगर 2 महीने पहले वाला राघव और अगर आज वाला राघव सेम है ना, तो मैंने अपने पिछले 2 महीने तो वेस्ट ही करे हैं फिर। बहुत डीप बात है यार। मेरे को अपनी पर्सनालिटी में इम्प्रोवाइजेशन लाते रहनी है, मेरे को अपने बोलने के तरीके में इम्प्रोवाइजेशन लाते रहनी है, बट मैं काफी लोगों को देखता हूँ जैसे वो 1 साल पहले थे ना, वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। तो भाई क्या करें यार पिछले 1 साल में, 1 साल तो यार फिर पिछला वेस्ट ही हुआ ना, तो दिस इज द थिंग। बिल्कुल यार, मतलब काफी डीप बात कह दी कि 2 महीने पहले भी अगर वही हैं हम और आज भी वही हैं, तो यार लर्निंग नहीं करी, जो कि एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे काम में तो, और वैसे भी लाइफ में भी। सो भाई ऐसा कभी हुआ है कि कभी इतना बुरा फेज आ गया हो जर्नी में कि रोना निकल गया हो, या कभी रोया हो किसी चीज़ पे? बिल्कुल बिल्कुल, देखो ऐसा हर एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में आते हैं ना, वो कहते हैं दैट गुड टाइम्स नेवर मेक्स अ गुड एंटरप्रेन्योर, सिर्फ एक अच्छा समय एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को कभी भी नहीं बनाता है ना, हमें बुरे फेसेस से सब गुजरना ही पड़ता है अगर हमें एक अच्छा खासा सब एंटरप्रेन्योर बनना है। Right. तो जैसे कि अनमोल सर अभी मैंने आपको बताया ना, दैट मेरी लाइफ में 2 टर्निंग पॉइंट आए थे, एक आया था जैन 2022 में, ठीक है। वो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में ऐसा आया था कि मुझे अब समझ आ गया था कि मुझे अपने आप को अब आगे बढ़ाना है, नो मैटर वॉट, अब जितने मर्जी भी मजे कर लिया कर लिया, अब जो हो गया सो हो गया, अब मुझे सीरियसली हो गया अपने सारे के सारे फॉरएवर के सब लेवल्स को अप करना है। बिकॉज मैं देख रहा था कि राघव अभी नहीं तो कभी नहीं, दिन जाते जा रहे हैं, टाइम किसी के लिए भी नहीं रुकता, तेरे लिए भी नहीं रुकेगा, तो आगे बढ़ते चल, तेरे आसपास के लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब तू कब आगे बढ़ेगा? तो बात ये थी दैट फिर मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन कुछ लिया है ना, मैं रोज 1.5 से 1 घंटा ना किताब सब पढ़ना शुरू हुआ कहीं ना कहीं, एंड फिर उसके बाद मैंने अपनी फिजिकल हेल्थ में भी काफ़ी ध्यान दिया, मेडिटेशन मैंने उस टाइम पे सब शुरू कर दी, जो कि मुझे एक्चुअल में आज भी बहुत ज़्यादा सब रिजल्ट दे दिया। मतलब मेरी पहले की वो आदतें मुझे अब रिजल्ट दे दिया कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, तो उसके चलते मेरा धीरे 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 सारे के सारे मेरे लेवल सब होना स्टार्ट हुए है ना। बिल्कुल, मैं 30 से 40 हज़ार तक की इनकम पर आया, फिर मेरे 40-50 थाउजेंड की इनकम हुई, फिर मेरे उस टाइम पे
सुपरवाइजर लेवल पे मेरे पूरे अचीवर्स क्लब में उस टाइम पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनकम हुई थी 72,000 की सुपरवाइजर। अब तो चलो सुपरवाइजर लेवल पे 72,000 अभी भी बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, अब तो चलो सुपरवाइजर लेवल पे भी लोग सिक्स फिगर्स में आ जाते हैं, ठीक है, बट उस टाइम पे मेरे को 72,000 आया था, है ना। एंड फिर उसके अगले महीने मेरा मैनेजर हो गया था, एंड मैनेजर बनने के बाद मेरी 1,00,000 रुपए की मिनिमम इनकम तो आई है। एक महीना ऐसा नहीं गया जिससे मेरी 1,00,000 रुपए से कम आई हो, क्योंकि मैं स्टेबल बना था मैनेजर। बहुत बढ़िया, मतलब टाइम लगा के बना लेकिन स्ट्रांग बना। एब्सोल्युटली, है ना, तो बहुत अच्छी बात है। और तो रोने की तो बस यही चीज थी कि रोने के तो सबके उसमें आते ही आते हैं। तो मेरे भी लाइफ में ऐसा आया था दैट स्टार्टिंग में ना यार, जब घर वालों का भी सपोर्ट नहीं रहता ना, यार घर वाले सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, घर वाले बिल्कुल बोल रहे हैं कि यार मत करिए वाले काम को, क्या करता है क्या करता रहता है। मुझे अभी भी एक इंसिडेंट याद आता है, हुआ क्या था दैट मैं स्ट्रगलिंग टाइम में था, है ना, कॉलिंग वॉलिंग अपने सब करता था। तो हुआ क्या कि मेरा एक कज़न ब्रदर आए थे, है ना, मेरे घर में, एंड वो एक सोफे में बैठे थे, एंड मेरे कज़न ब्रदर के साथ मेरे रियल ब्रदर बैठे थे, है ना, मतलब मेरे मासी के बेटे के साथ मेरे रियल ब्रदर सब बैठे हुए थे। तो मेरे मासी के बेटे ने, मेरे कज़न ब्रदर ने मुझे कहा कि राघव तूने कुछ स्टार्ट करा ना काम के, मैं ये मासी बता रही थी मुझे। मैंने कहा हाँ जी, हाँ जी भैया मैंने स्टार्ट करा है। तो मैं बोलने ही वाला था मैंने क्या स्टार्ट करा, मेरे रियल भाई ने मेरे कज़न भाई को बोला हाँ हाँ इसका तो कट गया, अभी लोगों को भी काटने का काम इसने शुरू कर दिया। इतनी नेगेटिविटी आप खुद सोचो, है ना। मैं होता क्या था दैट कभी कभार मैं कृष्णा सर के भी प्रीतवी और ऑफिस में जा रहा हूँ, है ना, मेट्रो से ट्रेवल कर रहा हूँ, एंड जब आ रहा हूँ ना मैंने अपने घर की बेल बजाई, एंड घर की बेल बजाने के बाद मैं आ रहा हूँ तो मेरे पापा मुझे सीरियस, मेरे पापा का इतना नेगेटिव माइंडसेट उस टाइम पे, मेरे पापा कहते हैं हाँ आज तूने कितने लोगों का पागल बना लिया। कोई मतलब मैं कैसे करूँ, फैमिली उतना सपोर्ट ही नहीं, स्टार्टिंग में करा सपोर्ट, फिर नहीं करा सपोर्ट जब उन्हें रिजल्ट नहीं देखे, बट जब धीरे धीरे रिजल्ट देखना स्टार्ट हो गया तब उन्होंने मुझे सपोर्ट करा, है ना। तो अब सारी की सारी सब चीज़ें बढ़िया है ना, बट स्टार्टिंग में सीरियसली इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं थी, है ना। धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि रोलर कोस्टर की तरह होती है, है ना, लाइफ अप डाउन सब आते रहते हैं। कभी कभार ऐसा होएगा कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे खासे रिजल्ट आएंगे, फिर कभी कभार ऐसा होएगा कि कभी नहीं आएंगे। तो लाइफ इज़ नॉट अ ट्रेन यार, लाइफ तो हमेशा रोलर कोस्टर की तरह अप डाउन सब आते रहेंगे, बस आपके ऊपर देखो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है दैट जब लाइफ में डाउन आते हैं तब आपका कैसा एटीट्यूड रहता है, एंड जब लाइफ में अप आते हैं तब आपका कैसा एटीट्यूड रहता है। ट्रू, मतलब रोलर कोस्टर राइड रही है बिल्कुल। और भाई इस रोलर कोस्टर राइड में जरूर डाउन्स जब आए थे तो शायद कुछ डिस्ट्रैक्शंस आई होंगी, सो उससे कैसे डील करा, या अभी तक कोई डिस्ट्रैक्शन आई है किसी भी तरीके की? हाँ हाँ, एज सच तो मैं कहूँ कि जब मैं सीरियस हो गया था ना दैट जब एक पर्सन की लाइफ में देखो अनमोल सर एक इमोशनल गोल आ जाता है ना, एक इमोशनली जैसे मेरा गोल आ गया था कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे मम्मी का अपना बुटीक बंद करवाना है, मुझे अब अपने फाइनेंशियली खुद इतना स्ट्रांग हो जाना कि मेरे घर वालों को ना पैसों के लिए लड़ाई ना करनी पड़े, तो मुझे कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं करते थे। मेरे दोस्त सर मुझे कॉल कर रहे, उन्हें बहाने दे देता था कि यार मैं नहीं आ सकता, मतलब आज तक कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आई, आज तक कोई भी लड़की कुछ भी नहीं। देखो सिंपल है, बातें करूँ ना, अभी अनमोल सर ने लड़कीबाजी की छेड़ी भाई। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, हम यंगस्टर्स के ना ज़्यादातर ना लाइफ में ना ये थोड़ी बहुत ना डिस्ट्रैक्शन आ जाती है ना, ये अट्रैक्शन फेस है ना कहीं आता ही है। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब तक आप लाखों रुपए तक की इनकम पर ना पहुंच जाओ ना, जब तक एक स्टेबल लाखों रुपए तक की इनकम पर ना पहुंचो, जब तक फाइनेंशियली स्टेबल ना बन जाओ ना, तब तक इन चक्रों में भाई नहीं पड़ना, बिकॉज कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से ना फिर डिस्ट्रैक्ट होकर फाइनेंशियली स्ट्रांग भी अगर नहीं हो ना तो आगे चल के यार आप टूट ही जाओगे। तो अगर वो कहते हैं ना अपनी खुद की हैसियत इतनी बना लो कि कोई भी आ जाए, है ना, आगे चल के, तो बस यार यही चीज़ है दैट डिस्ट्रैक्शन एज सच सर कोई भी नहीं आई है ना। मैं बात करूँ कि लोग दो चार पैसे कमाने शुरू कर देते हैं तो वो अलग अलग डिस्ट्रैक्शन पाल लेते हैं, कभी क्लबिंग, कभी रोज ही बाहर घूम रहे हैं, बट ऐसा वो कुछ भी नहीं है। एंड इंस्पिरेशन तो सिर्फ और सिर्फ है ना आप सब लोगों से, एंड कृष्णा सर से कहीं ना कहीं सब मिलते हैं कि कृष्णा सर इतने बड़े लेवल तक जाके भाई, मतलब इतने अच्छे खासे लाखों रुपये की इनकम पे होने के बावजूद भी कृष्णा सर इतना अच्छा खासा सब काम करते हैं, रोजाना काम करते हैं, अभी ऑफिस खोला है ताकि उनका काम और बढ़े। वो कुछ और भी तो कर सकते थे, कहीं लाखों करोड़ों कहीं 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 ना कहीं लगे होंगे उनके ऑफिस खोलने में यार, काफ़ी लगे होंगे। वो कहीं इंटरनेशनल टूर भी अपनी बहुत सारी सब मार सकते थे ना, अपने कुछ एक्सपेंसिव और सब गाड़ी वाड़ी सब ले सकते थे, बट उन्होंने ऑफिस क्यों खोला, ताकि उनका काम और बढ़े। तो वो पर्सन नहीं रुक रहे तो अभी हम क्यों रुके, तो यही चीज़ है। बिल्कुल यार, सो ट्रू, मतलब सच है, और उन्हीं को देख के चलते हैं। मैं हर पॉडकास्ट में बोलता भी हूँ कि हमारे सीनियर्स, हमारे मेंटर्स, हमारे भाई इतने बढ़िया है ना कि वो इतना अचीव करने के बाद भी ऐसे लगे हुए हैं जैसे घोड़े की आंखों के साइड में वो होता ना, क्या कहते हैं उसे, कि वो सिर्फ सीधा देखता है, इधर उधर नहीं देख सकता। तो बस वो लेजर फोकस है जो हम में उनसे आ रहा है, डुप्लीकेशन आ रही है और हम वो भी कर रहे हैं, एंड उसी से ही काम सबका बढ़ पा रहा है। एब्सोल्युटली। और चलो डिस्ट्रैक्शंस हो गई, और भाई आगे अभी फॉरएवर में
काफी कुछ करना रहता है, बहुत कुछ, अभी तो बहुत कुछ रहता है, कुछ करा है, बहुत कुछ रहता है, बिल्कुल। तो अभी आगे एक दो साल के अंदर क्या प्लान्स हैं, अगर शेयर करना चाहो टीम के साथ, सभी अचीवर्स क्लब के मेंबर्स के साथ, क्या करना चाहते हो? देखो बात तो यह है दैट एक मूवी होती है ना, मूवी का ट्रेलर होता है, अभी तो बस ट्रेलर का एक ही सेकंड खत्म हुआ है, अब ये चीज़ लगा कर चलो, अभी तो पूरा ट्रेलर बाकी है 3 मिनट तक का, फिर उसके बाद 3 घंटे तक की मूवी बाकी है, अभी तो बस शुरुआत हुई है भाई हम सब की। अभी तो आप देखोगे दैट अचीवर्स क्लब इतनी तेज़ी से स्प्रेड होने वाला है, इतनी तेज़ी से और सब लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डालने वाला है ना कि कोई हद ही नहीं है। बिकॉज आज से 2 से 3 साल पहले अचीवर्स क्लब में आप कह सकते हो बहुत कम लोग थे, अब बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, और आने वाले कल में भी बहुत ज़्यादा सब लोग होंगे, ऑब्वियसली बात है क्योंकि सिस्टम इतना ज़्यादा सब बढ़िया है। तो सर मेरे तो आगे के यही गोल्स हैं दैट मटीरियलिस्टिक तो बहुत हैं कि यार गाड़ी लेनी है ना, बट ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी, मतलब ऐसा नहीं है कि 20-25 लाख की गाड़ी लेनी है, ऐसा है कि इतना फाइनेंशियल स्टेबल बनना है कि आने वाले 2 साल में सीधा ही एक अच्छी खासी है ना सब गाड़ी वाड़ी सब ले, सीधा 1 करोड़ की गाड़ी लेनी है। हाँ लगभग है ना, कुछ ऐसा ही सब सपना है ना, बिकॉज अब यार वो चीज़ है कि ऑर्डिनरी नहीं रहना, अब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है ना लाइफ में, बिकॉज एक ही जिंदगी मिली है, ये जिंदगी बार बार नहीं मिल रही, इसी जिंदगी में सारी की सारी सब चीज़ें करनी है ना, एंड यही गोल है दैट अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा है ना लोगों की लाइफ में सब वैल्यूज ऐड कर सकूँ। आज मेरी टीम में अभी एट प्रेजेंट टचवुड भगवान की दुआ के चलते है ना, मेरी टीम में लगभग 6 मैनेजर्स हैं, 6 में से 5 लड़कियाँ ही हैं, 6 में से 5 तो लड़कियाँ ही हैं, एंड 90% मेरी टीम में लड़कियाँ ही हैं, 90% टीम में लड़कियाँ हैं। तो जितनी भी लड़की देख रहे हैं ना पॉडकास्ट भाई, आप अपने आप में बहुत कुछ हो, लड़के तो आप देखते हो अचीवर्स क्लब में इतने सारे, पर लड़कियां अपने आप में ही बहुत कुछ है, बहुत कुछ आप सब कर सकते हो यार। एग्जैक्टली है ना, बाकी भाई मैंने भी लेनी है, 2 साल बाद अचीवर्स क्लब से 1 करोड़ की गाड़ी मैं भी लूंगा, बिल्कुल साथ में ले लेंगे, एंड भाई फ्यूचर गोल्स भी डिस्कस हो गए, उन्हें चैलेंजेस भी बता दिए सारे, उन्हें अपनी पूरी स्टोरी भी बता दी है ना, कैसे क्या करा, क्या दिन देखे, आज क्या दिन देख रहा है। सो भाई सबका सम अप करके अगर मैं पूछूं, या चल पहले ये बता कि अपने जर्नी से, अपने एक्सपीरियंस से 3 ऐसे बेस्ट टिप्स जो आज तू अचीवर्स क्लब के हर एक मेंबर को देना चाहेगा। टीम सबसे ज़्यादा मैं आपको बेस्ट टिप्स सब बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, जो कहीं ना कहीं मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहे हैं, ठीक है, आप बहुत सारी के सारे सब ट्रेनिंग एंड ऑल में देखते होगे कि ये बेस्ट है वो बेस्ट है, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट कह रहे हैं, एक लाइन है अपने रग रग में वाली लाइन को बसा लो, मैंने भी अपने रग रग में वाली लाइन बसा ली थी, दैट वट एवर यू विल बी टमोरो इट्स गोना बी द रिजल्ट ऑफ द चॉइसेस दैट यू मेड टुडे। आप जो भी कल होगा ना भाई अपने आज के लिए होगा, फैसलों के चलते होगे, दैट्स इट। सर पता है अगर आज मैं सोरिंग नहीं हूँ ना, तो कहीं ना कहीं अपने आज से 1 साल पहले लिए गए स्टेप्स के चलते, राइट अगर आज आप सोचो अगर कल को मैं सफायर मैनेजर होऊंगा ना, तो अपने आज के लिए स्टेप्स के चलते, ट्रू है ना, अगर कल को मैं 10 लाख रुपए तक की मंथली इनकम कमा रहा, तो अपने आज के लिए डिसीजंस के चलते है ना, आप खुद पूछो यार, आप खुद पूछो अपने आप से दैट आप है ना, आप अभी सुपरवाइजर क्यों नहीं हो, क्योंकि आपने आज से 1 महीने पहले ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं करा था, अगर आप आज से 1 महीने पहले ज़्यादा अच्छे तरीके से सब काम कर लेते तो आज आप क्या पता यार अच्छे खासे बेस बना चुके होते अपना सुपरवाइजर का, क्या पता आप अच्छे खासे है ना लेवल पे होते। तो फर्स्ट पॉइंट तो मेरा ये है दैट जो आप आज करोगे उसका ही परिणाम आपको कल मिलेगा, उसके परिणाम आपको कल मिलेगा। एंड सर कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ जो मेरे को पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा है ना सब कहीं ना कहीं काम आया, मेरे को पर्सनल लेवल पे है ना कहीं ना कहीं सब काम आया, दूसरी चीज़ एक मैंने लाइन सुनी थी दैट इनकंसिस्टेंसी इज द एंड ऑफ द फेलियर, है ना, हम तो लोग कहते हैं ना दैट कंसिस्टेंसी लीड्स टू सक्सेस, तो ये भी बात जान लो दैट इनकंसिस्टेंसी लीड्स टू फेलियर। पता है आप एक दिन काम ना करके, people are consistent in being inconsistent, हाँ यही चीज है, people बहुत ज्यादा consistent होते हैं inconsistent रहने में, है ना, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ना अपनी consistency momentum को maintain करना चलते रहना होगा, वो कहते हैं maintain the flow maintain the actions, maintain the flow maintain the actions, काम करने में और काम करते रहने में ना बहुत ज्यादा सब difference होता है यार, right. मैं लोगों को देखता हूँ अनमोल सर मुझे कहते हैं कि हम consistent है, मैंने कहा अच्छा आपने कितना काम करा, सर मैंने ना सर 2 कॉलिंग करी थी, सर मैंने ना सर 5 कॉलिंग करी, मैंने कहा अच्छा तो आपने परसों कितना काम करा था, सर परसों भी ना सर मैंने ना 2-4 लोगों को ना सर इंस्टाग्राम पे सर अप्रोच लगाया था एंड 5-10 कॉलिंग करी थी, सर मैं कंसिस्टेंट तो हूँ काम में, ये कंसिस्टेंसी से कुछ होएगा क्या? एक चीज़ होती है जो मैं सेकेंड पॉइंट में डिस्कस करूँगा, कंसिस्टेंसी प्लस मैसिव एक्शंस लीड्स टू सक्सेस, सो ट्रू, कंसिस्टेंसी के साथ मैसिव एक्शंस को उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, आपको ज्यादा ज्यादा सब काम करना होगा तभी सब अचीवमेंट मिलेगी यार, आप खुद बताओ अचीवर्स क्लब से बाहर देखो, पता है
लोगों को अनमोल से लाखों रुपए तक की इनकम पर जाने के लिए कितना टाइम लग जाता है, कहीं करोड़ों रुपए अपने धंधे में लगाने पड़ जाते हैं तब जाके लाखों रुपए की इनकम आती है भाई। कभी कभार तो वो भी स्टेबल नहीं आती है ना। मैंने देखा मेरे घर के पास एक रेस्टोरेंट है ना, तो उसने उसका मतलब अच्छा खासा एक महीना बहुत चल गया रेस्टोरेंट, बहुत ज्यादा चल गया है ना। फिर हाइप कम हुई उस रेस्टोरेंट की, फिर दूसरे तीसरे महीने उसकी सेल ही नहीं, पहले महीने उससे लाखों रुपए कमा लिए, फिर उसके बाद स्टेबल इनकम भरी नहीं। बट मैनेजर बनने के बाद आपको लाखों रुपए की स्टेबल इनकम आती है, सबसे ज्यादा बड़ी चीज अगर आप एक स्टेबल मैनेजर बनते हो तो। दैट टू फ्रीडम के साथ, हाँ बिल्कुल, ट्रिप्स के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप्स हैं साल में 2-3, वो इंटरनेशनल है कोई डोमेस्टिक है, अभी हम जा ही रहे हैं भाई इसको, हमारी पॉडकास्ट जिस दिन आएगा उससे शायद 10 दिन बाद भी हमारी फ्लाइट है थाईलैंड की, और ऐसा नहीं है 2-4 दिन के लिए, 9-10 दिन के लिए भाई लगभग लगभग है ना। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से एंड फॉरएवर की तरफ से यार, एंड वो बस एक डिसीजन के चलते कि मैंने डिसीजन ले लिया था आगे बढ़ने का है ना, बस मैंने वो एक स्टेप ले लिया था यार, मुझे अचीवर्स क्लब का पार्ट अब बने रहना है और मुझे आगे बढ़ना है ना। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अनमोल सर मेरी नजरों में, नेवर एवर गिव अप एटीट्यूड। वो कहते हैं इफ यू हैव टू विन द गेम यू हैव टू बी इन द गेम यू हैव टू स्टे इन द गेम। आप गेम को छोड़ के गेम को नहीं जीत सकते है ना, आप गेम को छोड़ के गेम को नहीं जीत सकते। आपने लूडो खेलिया, लूडो बचपन में पता क्या होता था, बचपन में अपने दोस्त के साथ सर मैं लूडो खेलता था ठीक है, एंड वो जो उसकी गीटी होती है ना, वो जो लूडो की जो गीटी कहते हैं उसे है ना, वो उसके ना बिल्कुल मतलब बिल्कुल पहुंच चुकी होती थी है ना, हाउस से बिल्कुल पहुंच चुकी होती थी है ना। वो बार बार है ना अपना डाइस को कर रहे है ना, उसका कभी 6 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, उसका एक आ ही नहीं रहा जिसके चलते वो डाइस अंदर जा पाए हाउस के है ना, और मेरा 6-5-4-3-2 ऐसे ऐसे करते करते सबसे पहले मैच जीत गया। मैं लूडो की गेम में रहा था, अगर मैं होप ही छोड़ देता ना यार अभी तो मेरी 4 की 4 अंदर पड़ी हुई है, इसकी तो 3 निकल गई, एक ही रह गई है सिर्फ और सिर्फ, यही जीत जाएगा। अगर मैं लूडो की गेम के अंदर ना रहता तो मैं हार जाता, ऑब्वियस सी बात है। बस वो एक मूवमेंट चाहिए होता है, और वो मूवमेंट भले ही एंड मोमेंट में आए गेम पर लड़ता है, बस वही चीज है। तो बस नेवर एवर गिव अप एटीट्यूड, आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छी संगति में रहोगे, अचीवर्स क्लब के प्लेटफॉर्म के साथ रहोगे, हर एक ट्रेनिंग्स को अटेंड करते रहोगे, तो यार फिर आपको ना कहीं कामयाबी मिल ही जाएगी। वो कहते हैं अभी नहीं तो बाद में, बट कभी ना कभी तो देखो मिली जाएगी, तो बस यही चीज है। बिल्कुल, भले ही देर से बट जरूर मिलेगी। बिल्कुल, ये कुछ टिप्स थे कि भाई कंसिस्टेंट रहना है, मैसिव एक्शंस रखने हैं, एब्सोल्युटली है ना। और क्या टिप था भाई, रिवाइज कराओ है ना। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे ज्यादा सब इंपॉर्टेंट अभी चीज बताता हूं यार, मैं अपनी खुद की जर्नी है ना कहीं ना कहीं सब रिलेट करता हूं। देखो अचीवर्स क्लब का ना सिस्टम इतना ज्यादा अच्छा खासा है, अगर आप ट्रेनिंग्स बिल्कुल अच्छी करते सब अटेंड करोगे ना, तो आपके पास ना बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है ज्यादा से ज्यादा सब चीजें सीखने के लिए है ना। मैं आपको है ना एक चीज बताता हूं, सुनो उसके जिसके जैसा बनना चाहते हो, उसकी कभी मत सुनना जिसके जैसा नहीं बनना चाहते। मैं उन लोगों के जैसा नहीं बनना चाहता भाई जो लोग मुझे सजेशन देते हैं कि फॉरएवर मत कर। मेरे को बहुत सारे लोग सजेशन देते हैं कि फॉरएवर क्यों कर रहा है, क्या करने की जरूरत है तेरे को फॉरएवर मत करने वाले काम को। मैं कहता हूँ क्या मुझे उन लोगों के जैसा बनना है, तो मेरा आंसर आता है नहीं यार। कृष्णा सर बोलते हैं, तरंग सर बोलते हैं, हमारे फाउंडर सारे के सारे सब लोग बोलते हैं दैट हमें करना चाहिए फॉरएवर को, इस पे बहुत ग्रोथ है, अल्टीमेट लेवल की ग्रोथ है, तो मुझे जिनके जैसा बनना है मैं उनके सुनूंगा ना। राइट, तो आप कभी भी ना उनकी मत सुनो, क्योंकि अनमोल सर ऐसा होता है ना कि हम स्टार्टिंग में आए हैं फॉरएवर में है ना, हमें 10 लोग बोलते हैं, हमारे दोस्त सर हमें बोलते हैं, नेगेटिव करते हैं, मत पड़े यार इन चक्रों में, तेरा टाइम बर्बाद हो रहा है ना, हम तो देख खेल रहे हैं कूद रहे हैं, हम तो क्लबिंग व्लबिंग कर रहे हैं, तू कॉलिंग पे ही लगा रहता है, तू इधर उधर की ट्रेनिंग में घुसा रहता है, तेरी दिन रात सुबह शाम ट्रेनिंग ही चलते रहती है ना। तो वो जो नेगेटिविटी है ना भाई, अगर वो आप दिमाग के अंदर अपने लेकर आ गए ना, तो कुछ नहीं होने वाला, बेहतर है ना। अनमोल सर मैं बताता हूँ एक इंसिडेंट क्या हुआ था, दैट मेरा ना एक दोस्त है वो फॉरएवर में फेल हो गया था। अच्छा। और मेरी मम्मी ने मुझे कहा था देख वो जो है ना वो भी फॉरएवर में फेल हो गया, तू भी फॉरएवर को नहीं कर पाएगा। यार आपको पता है कि 1000 एरोप्लेन टेक ऑफ लेते हैं, 1000 एरोप्लेन्स है ना कहीं ना कहीं अपनी टेक ऑफ लेते हैं, एंड सक्सेसफुली वो बिल्कुल टेक ऑफ सब लेते हैं ना, सक्सेसफुल उनकी सारी की सारी सब रहती है चीजें। बट अगर उनमें से एक ही एरोप्लेन का क्रैश हो जाए ना, तो सब न्यूज चैनल में ना उस एक ही एरोप्लेन के क्रैश की बातें चलती हैं। जो हजारों जो एरोप्लेन जो भैया सेफली जो टेक ऑफ हुए हैं ना, जो सेफली सारी की सारी जो उन्होंने लैंडिंग करी है, उनके बारे में बात नहीं करते, वो बस एक के बारे में बात करते जो क्रैश हुआ है। तो जो फॉरएवर में जो एक बंदा जो क्रैश हुआ है, फॉरएवर में जो एक बंदा नाकामयाब हुआ है, हम उनकी क्यों बातें करें। हजारों लोग कामयाब हुए हैं भाई फॉरएवर में, हजारों लोग कामयाब हुए हैं अचीवर्स क्लब में। परफेक्ट एग्जांपल है, एब्सोल्युटली। तो हम तो उन सब लोगों को देखेंगे ना जो कामयाब हैं, हम तो उन लोगों को देखकर सब इंस्पायर होंगे। तो अगर आप लोगों को है ना, अगर आप लोगों को कोई बंदे बोलते हैं ना उसने भी फॉलोवर करा था, वो भी कुछ नहीं कर पाया, वो भी ये वाले कामों में पड़ा था, तो यार कहीं हजारों लोगों को वो भी देख लेना जो आज की डेट में कामयाब है। एग्जैक्टली।
तो बस यार मतलब बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से भाई तूने समझा दिया उन लोगों को जो दूसरों को देख के अपना डिसीजन को रिकंसिडर करते हैं, जज करते हैं इसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो बाकी गाइस मैं सम अप कर देता हूँ कि आज जो आप चॉइसेस ले रहे हो उससे आपका कल बनेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना है और कंसिस्टेंसी के साथ साथ मैसिव एक्शंस रखने हैं बिल्कुल और लाइफ में अपना एडवाइजर बिल्कुल सही रखना है, सही लोगों को सुनना है, तभी सही डिसीजन ले पाओगे, सही एक्शंस ले पाओगे, सही रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सो राघव भाई बहुत मतलब बढ़िया बढ़िया चीज़ें बता दी तूने शॉर्ट में, और आई होप बहुत कुछ तू बहुत बिल्कुल जल्दी जल्दी अचीव कर ले अचीवर्स हाँ क्लब में बिल्कुल बिल्कुल और यार बहुत आगे तक साथ जाना है। अभी तू छोटा है एब्सोल्युटली काफ़ी और लेकिन भाई बच्चे ही आग लगा रहे हैं हाँ है ना बिल्कुल अचीवर्स बिल्कुल क्लब में, तो एक कहावत है जो लोग काम करते हैं बचपन में हाँ हाँ इन्होंने करके दिखाया बचपन में, एब्सोल्युटली ठीक है। तो बिल्कुल भाई बचपन में ही फोड़ दिए अभी और तो बस शुरुआत है बिल्कुल अपना बचपना ऐसे रहा है कि कुछ ऐसे काम हम बचपने में कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल कि अपने जब आगे जनरेशन बढ़ेगी कि हमारे पोते भी कहेंगे कि भाई करा था हमारे दादा तो ने कुछ पढ़ा करा कुछ था, करा कुछ है बढ़िया करा था, है ना, फैमिली की लेगेसी चेंज करी थी, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। एंड बाकी तो देखो दुनिया का दस्तूर है, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास सक्सेस है, तो ही आपके पास लोग आएंगे, है ना, तो ही आपके पास दुनिया है। एंड इसमें कुछ बुरा नहीं है, जैसा कि मैंने कहा दुनिया का दस्तूर है, तो बिल्कुल भाई जो है वो है। सो वाई बिल्कुल नॉट बी सक्सेसफुल, वाई नॉट बी रिच, एब्सोल्युटली और अचीवर्स क्लब से बेहतर प्लेटफॉर्म और क्या हो सकता है अमीर बनने के लिए पता नहीं और लोगों को कमाने के लिए, सबसे बड़ी बात है बिल्कुल ना। बिल्कुल सो भाई आई होप तू बहुत अच्छे से ग्रो करे और बिल्कुल साथ में हम आगे बढ़े। बाकी एंड में जाते जाते कोई ऐसा फैक्टर या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो तू सबको बताना चाहे दिल से। दिल से तो मैं अभी यही चीज़ कहना चाहूँगा यार, है ना। आपने मेरी पूरी की पूरी सब स्टोरी जानी, हर एक सब चीज़ है ना आपने देखी समझी, है ना। यही चीज़ बोलूँगा दैट अभी आप कोई भी सिचुएशन में हो ना, अभी आप फेलियर फेस कर रहे हो, है ना, कोई भी चीज़ में, एक चीज़ को याद रखना दैट योर प्रेजेंट सिचुएशन इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन। आपकी जो अभी की जो सिचुएशन है ना वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है भाई, बदलेगा, समय बदलता ज़रूर है, बस समय समय को बदलने का दम चाहिए होता है, दैट्स इट, है ना। और लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा देखो प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा नहीं है कि मेरा पॉडकास्ट सुन के, है ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली, हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी। बस अपने आपको ना प्रॉब्लम्स के सामने यही बोलना है कि मेरी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है, मैं अपने प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं एग्जैक्टली अपने प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ा हूँ, है ना। ये माइंडसेट के साथ अगर आप लाइफ में चलोगे ना तो यू विल अचीव सो मच थिंग्स, बहुत सारी की सारी सब चीज़ें अचीव कर लोगे, ठीक है। एंड फिर अचीव करोगे, है ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना बस, जो कि मैं कहीं ना कहीं लास्ट बोलूंगा चीज़, जो कि आज अनमोल सर मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, नो मैटर वॉट मैं कितना मर्जी कुछ अचीव कर लूँ, है ना, नो मैटर वॉट मैं कुछ भी अचीव कर लूँ, है ना, सक्सेस एक जर्नी है, ये एक इवेंट नहीं है। थोड़े बहुत लोग मुझे कहते हैं सर मैंने ना सुपरवाइजर कर लिया, कर लिया, कर लिया था, अब आगे क्या, आगे भी तो बहुत कुछ है ना, कर लिया था भाई आपने, अब आगे क्या, सक्सेस तो एक जर्नी है ना। सक्सेस भाई सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो इट इज अ मैराथन, और ऐसी मैराथन है जो कभी रुकती नहीं है, ठीक है, जो कभी रुकती नहीं है। एक कहावत है दैट सक्सेस इज नॉट एन अचीवमेंट, इट इज इन अचीविंग, कामयाबी अचीव करते रहनी है अपने को, है ना, तभी हम सब लोग अचीवर्स क्लब में लगे हुए हैं कि रुकना नहीं है, और लाखों तक की इनकम बढ़ जाना है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है। और अपने सारे मेंटर्स को मैं थैंक यू बोलूंगा, ठीक है, आप कह सकते हो एंड में मैं यही चीज़ बोलूंगा कि मेरे जितने भी है ना कहीं ना कहीं जो मेंटर्स हैं, एंड मेरे मेंटर्स के साथ साथ ऐसे बहुत सारे के सारे है ना सब स्पीकर्स हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा सब चीज़ें सीखूँ, ठीक है, जितने भी ज़्यादा CLTs हैं फॉर एवर के, है ना, जितने भी अचीवर्स क्लब में जो भी मैनेजर्स हैं उनसे मैं लिटरली बहुत कुछ चीज़ें सीखूँ, एंड उन सब लोगों से चीज़ें सीख सीख के ना आज की डेट में मैं इतना आगे बढ़ूँ, ठीक है। तो बस यार आप भी सीखते चलते रहो, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा है ना अपनी कामयाबी को सब हासिल करोगे ही करोगे। बस ये चीज़ बोलूँगा दैट हमारे साथ जुड़ कर रहो, ठीक है, एंड फॉर श्योर आप भी अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा सब अच्छी खासी डेवलपमेंट देखोगे। अमेजिंग राघव, बिल्कुल सर, वेरी हम्बल, बहुत हम्बल है और ऐसे ही रही हूँ, अरे ऐसे बिल्कुल ही ग्रो करता है और फाड़ देंगे मिलके, बिल्कुल और तूने तो बिल्कुल आग सर, लगाई रखी है अरे वाकई। थैंक यू सो मच, सो गाइज दिस वॉज दी पॉडकास्ट, बहुत सारी चीज़ें राघव ने क्लियर करी और बहुत सारे कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, आई होप आपको माइंडसेट दिया होगा कि अचीवर्स क्लब के साथ जुड़ना और इसे बिल्कुल सीरियसनेस के साथ मिनिमम 1 साल तक आपको करना है एंड यू विल विटनेस वंडर्स इन योर लाइफ। बाकी इस पॉडकास्ट को फटाफट से शेयर करो अपनी टीम्स के साथ, अपनी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करो राघव की स्टोरी के थ्रू, एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो, कमेंट करके बताओ राघव की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में विद अनदर अमेजिंग गेस्ट।
टिल देन वॉच ऑल द पॉडकास्ट थॉरली एंड कीप ऑन लर्निंग. ऑल द बेस्ट.